बोला मैम ने? कुछ नहीं बोला, प्रोजेक्ट बनाती है। अच्छा प्रोजेक्ट बनाना आता है? एक बात है, आइसक्रीम चिल्ड है फुल, ये तो खा ही नहीं रही है। सब कैसे हो आप लोग? मैं चीनू और आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल चीनू के ब्लॉग्स। तो भाई अभी का सीन है कि मेरे को इतनी तेज जुकाम हो रखा है, बट लेकिन जुकाम में ऐसा नहीं कि मैं ढीला पड़ रखा हूँ, इधर बैठा पड़ा हूँ, मेरे को आज जुकाम हो रखा है, ये दूसरे ब्लॉगर जो करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। शरीर में फुल जान है, फुल तुरस्त पुरुस्त हूँ, पर लेकिन पता नहीं गला भी खराब हो गया एकदम से ही, और है ना जुकाम भी हो रखा है। तो यार मस्त तो बोले जाता हूँ भाई, कल के 5 बड़े थे मम्मी का दिए थे, मम्मी अब क्या नहीं दिया, मम्मी दवाई के नहीं दे रही, मम्मी कह रही तो अब जो चीज के पैसे थे उसी से लिया जाए दवाई। तो भाई अभी अपन लेने चलते हैं दवाई, उसके ले जाना पड़ेगा केमिस्ट के पास, बहुत धूप हो रखी है, वहाँ जाने का मन तो नहीं कर रहा, पीछे ही दिख रहा होगा आपको कितनी तगड़ी धूप हो रखी है, पर लेकिन यार जाना तो पड़ेगा क्योंकि जुकाम भी मेरे को ही हो रखा है और लेकर भी आनी पड़ेगी, ये सब तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए अपन चलते हैं अभी और दवाई लेकर आते हैं। बिग सेक्शन 500, मैंने वो सुनाया क्या यार, खाई भी है कब, मैंने बुखार भी था ना उस दिन, बुखार और खांसी का बुखार और जुकाम था, तो एक गोली खाई भाई आराम आ गया फुल तगड़े तरीके से, तो वही एक गोली खा के अब सीधा लेट जाऊँगा थोड़ी देर घर में, आराम करूँगा, नहीं तो फिर ही बाहर निकलेंगे सारे के सारे यार, आराम क्या करना, तुरुस्त तुरुस्त तुम्हारे भाई। तो चलते हैं गोली लेने के लिए, चलो। फाइनली अब एक बहुत बढ़िया सीन हो चुका है भाई, जो मेरा गला ख़राब हो रखा था ना, तो मुस्कान ने ना मेरे को निकाल के ये वाली गोली दे दी, मुस्कान ये वाली दी है ना भाई, आली दे दी, इस पर जाना पहले से कोल्ड लिख रखा था, तो मतलब ये जुकाम की गोली है फुल तगड़े आ रही है और गले साफ गले के लिए भी, तो भाई मस्त अभी वाली गोली खाऊंगा और साथ ही साथ मेरे 5 रुपये बच गए, तो 5 रुपये की सोच रहा हूँ कोई चीज़ खाने जाऊँ, पहले देखता हूँ बाहर क्या मिलेगा 5 रुपये का, मुश्किल ही मिलेगा कुछ, पर लेकिन चलते हैं भाई आ चुका हूँ मैं पल्ले घर जा रहा हूँ अभी सीधा, मेरा गले में भी आराम आ गया गोली खा के, तो 5 रुपये मेरे जेब में अभी पड़े हैं फिलहाल। मैं जब पल्ले घर पहुँचा था तो भाई अभी ग्राउंड में बैठे पड़ा था, तो अपना धानी का स्कूल का टाइम हो चुका था जिनने गमला तोड़ दिया था, तो भाई अभी हम उसके स्कूल के बाहर ही खड़े, दिखा देता हूँ, देखो स्कूल के बाहर इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि धानी कब तक आएगी, और वो अभी उसकी छुट्टी बिल्कुल नहीं हुई है, तो पनिशमेंट मिल रही है इसकी वजह से, कह रही है उसके टीचर के घर नहीं जाएगी। अब मैं तो पक गया हूँ, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था आने का, पसीना गर्मी देख रहे हो सामने, देखो गर्मी कितनी तगड़ी गर्मी हो रखी है, आने का मन भी नहीं कर रहा था तब भी मैं आ गया, अब छोड़ो क्या करें, बिस्लेरी नहीं ठंडा पानी है तो सही वो है नारियल। तो भाई छुट्टी हो चुकी है और धानी मैडम अभी तक आई नहीं है, भाई आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चे निकल चुके हैं और वो मैडम अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ घूम रही है। ये देखिए आएंगी आ गई। ये देखिए ब्लॉगर सी ब्लॉगर आइसक्रीम खा खा के, चीनी तू बैठ क्यों नहीं रहा, बैठ क्यों नहीं रहा, धूप में गाड़ी खड़ी कर दी और अब सीट चल रही है, बैठ चीनी बैठ के दिखा, टिक गया भाई टिक गया। ये हम निकल चुके हैं घर के लिए, फाइनली मैं आ चुका था धानी को छोड़ के, और धानी को छोड़ने के बाद अब मैं सीधा यार घर पे टिकूँगा, तो मतलब यानी कि सो जाऊँगा नहीं तो बैठ जाऊँगा या फिर छोड़ देना भी देखते जरा क्या करेंगे। तो मस्त यार मैं इस वीडियो करता हूँ एंड, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।